महानगर के श्री भूमि स्थित विवाह बैंक्वेट में आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन वृंदावन से पधारे स्वामी रस सिंधु दास ने भागवत के पहले दिन श्री क्या है, मद क्या है और भागवत क्या है इसका विस्तार से वर्णन किया। दूसरे दिन मंगलाचार के तीनों श्लोकों को विस्तार से सुना। इसके बाद व्यास देव जी का आगमन, नारद जी का चरित्र, सुदेश गोस्वामी का आगमन, परीक्षित महाराज का आगमन और उसके बाद कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और भीष्म पारायण। तीसरे दिन विशेष रूप से ध्रुव चरित्र, उसके बाद उत्तानपाद, प्रिय व्रत, देवती, आकुति, प्रसूति, तीनों पुत्रियों और दो पुत्रों, वंश और चरित्र का श्रवण किया। अजामिल के माध्यम से नाम की महिमा को जाना। चौथे दिन वृतासुर वध, वामन अवतार और समुद्र मंथन के अलावा भगवान राम का प्राकट्य व विवाह और कृष्ण जन्म का हमने श्रवण किया। पांचवें दिन भगवान की बाल लीलाएं, जिनमें पूतना वध, सकटासुर का वध, भगवान की मधुर लीलाएं, माखन चोरी, दामोदर लीला और गोवर्धन लीला का हमने श्रवण किया। यहाँ आकर हमारी कथा रुकी। छठवें दिन कंस वध, उससे पहले रासलीला, रुक्मणी विवाह, अक्रूर का आना और भगवान को लेकर जाने का हमने श्रवण किया। हमने जाना कि आत्मा और परमात्मा से मिलन ही रास कहलाता है। कथा के सातवें दिन रुक्मणी की विवाह से हमें क्या शिक्षा मिली, कुरुक्षेत्र में कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ मिलन, उद्धव और कृष्ण संवाद, कली का वर्णन के साथ हरि नाम की महिमा का हमने श्रवण किया। इस प्रकार हमने शुरू में भी भगवान का नाम, मध्य में भी भगवान का नाम और अंत में भी भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया। भागवत सुनी और जो इस महात्म्य को भी सुनता है तो सात दिन की भागवत कथा का उसको फल मिलता है। तो पहले दिन जो हमने श्रवण किया, श्री क्या है, मध्य क्या है और भागवत क्या है, और मंगलाचरण के तीन श्लोक सुने। दूसरे दिन हमने मंगलाचरण के तीन श्लोकों का विस्तार सुना, व्यासदेव जी का आगमन, नारद मुनि का चरित्र, सुखदेव गोस्वामी का आगमन, परीक्षित महाराज का आगमन और उसके बाद कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और भीष्म पारायण। तीसरे दिन हमने जो श्रवण किया, विशेष रूप से ध्रुव चरित्र और ध्रुव चरित्र के बाद में उत्तानपात, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीन पुत्रियों और दो पुत्रों के वंश और इनके चरित्रों का हमने श्रवण किया। इसके बाद हमने अजामिल के माध्यम से नाम की महिमा को जाना। चौथे दिन वृत्तासुर, वामन अवतार, समुद्र मंथन, इसके अलावा भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम का विवाह और कृष्ण जन्म, ये हमने चौथे दिन श्रवण किया। पांचवें दिन भगवान की बाल लीलाएं जितनी भी हैं, पूतना वध, सकटासुर का वध, अघासुर का वध, तृणाव्रत, इसके अलावा भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं जिसमें माखन चोरी, दामोदर लीला, इस लीलाओं का श्रवण कर करके और गोवर्धन लीला पर हमारी कथा रुकी। छठे दिन हमने ठाकुर का कंस वध श्रवण किया, अक्रूर का आना, कंस वध और उसके पहले रासलीला का श्रवण किया। रासलीला वो लीला है जिसमें सारी लीलाओं का रस रहता है, तो रासलीला, फिर अक्रूर जी का आना, भगवान को लेके जाना और फिर कंस वध हुआ। और कंस वध के उपरांत छठे दिन हमने रुक्मणी विवाह पर आकर हमारी कथा रुकी और सातवें दिन आज हमने कंक्लूड किया, जहाँ पर विशेष रूप से रुक्मणी जी के विवाह से क्या शिक्षाएं मिलती हैं, अन्य अन्य छोटी छोटी शिक्षाओं को ग्रहण किया। इसके बाद भगवान दाऊ का रेवती जी से विवाह, उसके बाद सुभद्रा महारानी का अर्जुन के साथ विवाह, उसके बाद भगवान का 115 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों के संग मिलन और वहीं पर में फिर वसुदेव जी और नारद संवाद, उद्धव और कृष्ण संवाद, जिसमें दत्तात्रेय के उपाख्यान के माध्यम से, उनके 24 गुरुओं के माध्यम से शिक्षाएं ग्रहण करी, तब कली का वर्णन
कली के वंदन के बाद कली का सबसे बड़ा महान गुण केवल एक ही है, हरि नाम। फिर परीक्षित का पारायण, और उसके बाद श्रीमद् परीक्षित का पारायण, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम की महिमा जो अंत में जाकर के भगवान के नाम पर आधारित होती है। तो शुरुआत में भी भगवान का नाम और अंत में भी भगवान का नाम, और मन मध्य में भी अजामिल के माध्यम से भगवान का नाम। तो कोई श्रेष्ठ है तो भगवान का नाम और भगवान की कथा। कि दिन में एक मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आज संसार के लिए औषधि है। शास्त्र बोलती बहु औषधा नाम क्षेत्र मयोभिधारम। ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, ये औषधि का काम करता है। अगर इसको कोई ग्रहण करता है तो जीवन में कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। संसार में जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, बहुत परेशान हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि न मित्रों को कुछ बोल पाते हैं, बोलने से वो मजाक करेंगे, माता पिता को नहीं बोल पाते हैं। पर श्रीमद् भागवतम उस परिस्थिति में बताती है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना है, कैसे जीना है, और सबसे विशेष बात कैसे मरना है। एक एक चीज़ को व्याख्यात रूप से श्रीमद् भागवतम और लीलाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। तो अगर कोई यूथ इसको लेता है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लोग उनके पास आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये इतना श्रेष्ठ हो जाता है। मारवाड़ी महिला समिति की कोलकाता शाखा की अध्यक्षा पूनम अग्रवाल ने करपात्री जी की वाणी का उदाहरण देते हुए कहा कि भागवत जैसा ज्ञान इस कलयुग में कहीं नहीं है। आज प्रभु जी ने दीक्षा देते हुए भी यही कहा कि आप एक माला प्रतिदिन करें, यही उन्होंने गुरु दक्षिणा भी मांगी। उन्होंने कहा कि जब हम माता पिता अच्छे कामों में लगते हैं, अच्छे कर्म को करते हैं, इस तरह से कथा कराते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे बच्चों के संस्कार पर भी पड़ता है। आने वाली पीढ़ी को मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग इस संस्कार से जुड़िए। इस जीवन में अगर प्रभु की भक्ति मिल गई तो आपका जीवन सार्थक हो गया। मैं पूनम अग्रवाल कलकत्ता शाखा अध्यक्ष। आज 7 दिनों से हमारी ये यात्रा चल रही थी, 4 तारीख से शुरू हुई और आज ये 10 तारीख आज हमारा समापन हो रहा है। मन बहुत ही द्रवित है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी। करपात्री जी ने भी अपने मुख से यही कहा है, भागवत जैसा ज्ञान इस कलयुग में दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। तो आज प्रभु ने भी कहा कि आप हमें दीक्षा में सिर्फ आप एक माला रोज करें और प्रभु के नाम का सुमिरन करें। प्रभु के नाम का ही सुमिरन है जो कि आपको इस बैतरणी से पार उतारेगा। तो आज प्रभु ने सभी से गुरु दीक्षा में एक माला प्रत्येक दिन की मांगी है, और मैं इसी तरह से चाहूँगी कि जब हम माता पिता अच्छे संस्कार में लगते हैं, घर में हम जब इस तरह की कथा कराते हैं, तो हमारे बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने इस संस्कार से जुड़िए, क्योंकि अगर इस कलिकाल में कभी कोई भी महायज्ञ है तो ये भागवत ही है। भागवत अमृत का रसपान ज़रूर करिए और इससे शिक्षा ले करके अपने जीवन को अमर बनाइए। भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के विश्राम दिवस पर बोलते हुए विनय अग्रवाल ने कहा कि भागवत कभी खत्म नहीं होती। मैंने कहा कि भागवत हमारे जीवन का आचरण सिखाती है, जीना कैसे चाहिए यह भागवत सिखाती है। प्रभु जी ने बच्चों के लिए भी एक गुरुकुल खोला है, इसका नाम उन्होंने निताई ग्रुप दिया है। आज भागवत ज्ञान कथा कहें या प्रेम कथा कहें, आज इसका विश्राम दिवस है, और जैसा प्रभु जी ने बताया कि भागवत कभी बंद नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। आज यहाँ विश्राम हुआ तो कहीं उत्तिष्ठ भी हो रही होगी। भागवत हमारे जीवन का आचरण को सिखाती है, आचरण में कैसे जीवें और जीना कैसे चाहिए आचरण के साथ, वो भागवत सिखाती है। इसीलिए प्रभु जी ने एक बच्चों का भी गुरुकुल खोल रखा है और एक यूथ क्लास भी चलाते हैं, जहाँ पर यंग बच्चों लोग को भी भागवत के बारे में पता चले और वो उसको अपने आचरण में लाए और सद्विचार और सद्मार्ग में चलते हुए अपना जीवन का भोग करें। इसीलिए यही व्यवस्था, यही धर्म, यही आचरण, यही ज्ञान, यही प्यार, यही प्रेम,
कृष्ण भक्ति में उनको लीन करने के लिए प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों की भी एक कक्षा शुरू की है, और जिसको क्या नाम दिया, निताई गुरुकुल। उसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान की महिमा और उसके आचरण के बारे में जानते हैं। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये छोटा सा पौधा आगे जाके वट वृक्ष बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें समाहित करेगा, और विश्व में, भारत में और विश्व में जो युवा शक्ति है, जो बच्चे हैं, वो भागवत को ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और उसको अपने आचरण में लाएंगे और भागवत का प्रचार प्रसार करेंगे। भागवत जिसके सबके जीवन में अगर समुचित रूप से आ गई तो समाज अच्छा बन जाएगा, और समाज अगर अच्छा बन गया तो देश अच्छा बन जाएगा, और देश अच्छा बन गया तो पूरा ब्रह्मांड ही अच्छा बन जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम की धारा सारे विश्व में बह पड़ेगी, और यही मेरा सबसे आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागवत से जुड़ें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, और जिज्ञासा किसी सत्संग में करें और उसके बारे में जानें। भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन राजेश अग्रवाल ने कहा कि भागवत हमें जीना सिखाता है, यह जीवन के साथ भी काम आएगा और जीवन के बाद भी। भागवत ने ये चीज़ सीखा कि ये भागवत का ज्ञान जिससे भी लिया है वो जीवन के साथ भी काम आएगा और जीवन के बाद भी काम आएगा, और इसका महत्व हमारे लिए सदा बना रहेगा, और ये अमृतवाणी हम लोगों को सदैव साथ में लेके चलना चाहिए। इस बात का ज्ञान मिला, और ये आज भागवत की ज्ञान की समाप्ति भले ही हुई है, लेकिन हम लोगों की जीवन में इसके लिए आज से स्टार्ट हुआ है। कोलकाता महिला मारवाड़ी समिति की ओर से आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन चेयरपर्सन उषा फिटकरीवाला ने बताया कि भागवत को सुनकर यह अनुभव हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है, हमारी संस्कृति में जो चीज़ें हैं उससे जुड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जर्मनी जैसे देशों में संस्कृत की पढ़ाई को आवश्यक किया गया है, वहाँ संस्कृत के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, पूरा विश्व हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, लेकिन हम भारतीय इसे मजाक की वस्तु बना दे रहे हैं। हम हिंदू ही धर्म की संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। महिला समिति के तत्वाधान में जो सप्त दिवसीय ये भागवत कथा का आयोजन हुआ, उसके आज समापन का दिवस आ गया हम अत्यंत बहुत खुशी होते हुए भी पता नहीं क्यों मन भारी सा हो रहा है कि हम जो ये 7 दिन तक इतना घूमे फिरे, इंजॉय किया, आज हम लोग सब बिछोड़ रहे हैं। लेकिन इस भगवत कथा को सुनकर एक चीज़ का अनुभव हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी संस्कृति में जो चीज़ें हैं और जिससे हम जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, उससे आज के इस समय में हमारा यूथ विमुख हो रहा है। और गुरु जी वही काम कर रहे हैं कि यूथ को बढ़ा रहे हैं, यूथ को बता रहे हैं, उनका यूथ विंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि यूथ के अंदर ये चीज़ें जाग रही हैं कि किसी तरह हम लोग इस भगवत प्रेम से जुड़ें। और ये सिर्फ एक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसमें साइंस है। आज जर्मनी में संस्कृत कंपलसरी हो गई है, वहाँ संस्कृत विद्यालय खुल रहे हैं, पूरा विश्व हमारे हरे राम हरे कृष्ण का भजन कर रहा है, लेकिन हम भारतीय इसको एक मजाक की वस्तु बना दिए हैं और हर चीज़ में सोच रहे हैं हम हिंदू ही अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो हमारे धर्म की संस्कृति को, हमारे पुरातन विचारों को, उनमें कितना साइंस है, कितना बल है, इसको प्रभु जी बता रहे हैं। मीना अग्रवाल ने कहा कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कलिकाल में यह मोक्ष का साधन है, यह कलयुग के अंदर प्रेम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, यही भागवत है। इस संसार में कैसे जीना है यह हमें भागवत सिखाता है, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं मीना अग्रवाल आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबको बताना चाह रही थी ये 7 दिन तक जो भागवत कथा चली है, पहले दिन ही मैंने बोला था कि जो भागवत कथा है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इस कलयुग के अंदर सबसे बड़ा जो यज्ञ है, प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, वो भागवत है, जो हमें जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, जीवन में हमको कैसे रहना है, एंड आर्ट ऑफ लिविंग हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड, इस संसार से हमको कैसे जाना है, वो हमको सिखाती है।
और जो सातवें दिन का जो सार प्रभु ने बताया, हरीर नाम हरीर नाम हरीर नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रंदिता। इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम के सारे, तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस हरि नाम से, जो गौरांग महाप्रभु ने जो संदेश दिया, जो मैसेज दिया था का, हरीर नाम हरीर नाम हरीर नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रंदिता, और इस महामंत्र को हम लोग करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे। इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आयोजन में सजावट की जिम्मेदारी निभाने वाली बीना सलामपुरिया ने कहा कि जो 16 कलाओं से युक्त है उस भागवत के आंगन को मैं क्या सजाऊंगी, मुझे किसी सत्संगी का साथ मिला जिसकी वजह से आज संत के दर्शन हुए, एक उम्मीद है कि संत मेरा भी हाथ पकड़ लेंगे और मेरे अंदर भी भागवत कृपा की ज्योत जलाएंगे। मैं बीना सलामपुरिया, कलकत्ता महिला समिति की एक छोटी सी मेंबर, नई सी, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन पता नहीं सब बोल रहे बहुत इसने सजाया, सुन के अच्छा कुछ नहीं लग रहा था, क्यों कि जो 16 कलाओं से युक्त है, जो सर्व सुंदरता, उसके सामने सुंदरता का कोई ही नहीं है, उसके आंगन को मैं क्या सजाऊंगी, वो तो खुद ही सजा हुआ है, वो तो सारा सजावट का ही सुंदरता का रूप रंग का उसका कोई बखान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी सत्संगी का साथ मिला तो फिर संत का दर्शन मिला, तो अब एक उम्मीद है कि वो संत मेरा हाथ पकड़ लेंगे और मेरे अंदर भी भगवत कृपा की ऐसी ज्योत जगलाएंगे कि मैं भी उसी राह में निकल पड़ूंगी जिसमें निकलना जीवन को सार्थक कर देगा। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा पूनम अग्रवाल ने कार्यक्रम से जुड़े अपने संस्मरण के बारे में बताया कि उन्हें बचपन में करवाई गई भागवत कथा से यह अनुभव था कि प्रभु का कार्य स्वयं प्रभु खड़े होकर करवाते हैं, और मेरी तमन्ना थी कि एक बार समिति में सार्वजनिक भागवत करवाई जाए और इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करें। प्रभु की इच्छा से यह कार्यक्रम सभी बहनों के सहयोग से बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। इस कार्य में राधा रमन परिवार का भरपूर सहयोग रहा। कुल 71 भागवत हुई। शाखा की निवर्तमान अध्यक्षा मंजू श्री गुप्ता ने प्रिंटिंग का कार्यभार बखूबी संभाला था। वह पुणे में बैठकर सारा काम कर रही थीं। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्य यजमान मीना विनय अग्रवाल थे, सह यजमान कृष्ण जन्मोत्सव वंदना सुशील अग्रवाल, सह यजमान रुक्मणी विवाह किरण श्याम सुंदर सरावगी, सह यजमान मनीषा शिव शंकर बंका, सह यजमान छप्पन भोग व प्रसाद रीता सुभाष अग्रवाल, अनुशंकर खेतान, ज्योतिर्मय कुलदीप जायसवाल तथा उषा गुप्ता शामिल थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया नहीं आ सकी थी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन ही कथा का श्रवण किया। प्रांतीय अध्यक्षा रेणु अग्रवाल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू यादुका ने सातों दिन कथा का श्रवण किया। बोलते हैं कि जब कथा होती है तो प्रभु स्वयं आकर बैठते हैं, तो प्रभु का कार्य प्रभु ने संपन्न करवाया। शाखा की सभी बहनों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया, जिससे इतने भव्य रूप से इस समारोह का आयोजन करना संभव हो सका। बीना सलामपुरिया के पुत्र सौरभ सलामपुरिया, पूनम अग्रवाल की पुत्री विधानसी अग्रवाल एवं मीना जी की पुत्री हर्षिता अग्रवाल ने मिलकर जूम की व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से संभाली और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन भागवत अमृत पान कराने में अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वैसे तो मारवाड़ी महिला समिति की सभी बहनों का अतुलनीय सहयोग रहा, लेकिन विशेष रूप से कविता गुप्ता, उषा टिवरेवाल, कंचन सिकारिया, अनीता बंसल, कमला अग्रवाल, उषा मस्करा, सरोज गर्ग, मीनाक्षी कानोडिया, नीतू दनवर, बीना अग्रवाल वन,
बीना अग्रवाल 2, मंजुला माहेश्वरी, सुचिता खंडेलवाल, मनीषा बंका, अनु खेतान, ज्योतिर्मयी मिथिलेश बंसल, कंचन ड्रोलिया, सरोज तुलस्यान, कल्चरल प्रमुख रश्मि तापड़िया व चेयरपर्सन उषा फिटकरीवाला का महत्वपूर्ण योगदान था। भागवत कथा के शुभ अवसर पर निशा लाठ की स्वर लहरी से ऐसी भजनों की अमृत वर्षा हुई कि लोग झूम उठे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट।